जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज सी अंकित लल्हा। आज लल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे हम आपकी एक बहुत कॉमन सी क्वेरी है सिलेबस से जुड़ी हुई, जो कि है कि सर जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस है और मैथमेटिक्स का स्पेसिफिकली क्या सिलेबस है, ये बताइए। क्योंकि मैथ्स पढ़ने से खास करके अगर अपने कॉमर्स वालों की बात करें तो बहुत घबराहट होती है। ध्यान रखिएगा, हम मैथ्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। मैथ्स जनरल टेस्ट जो आपका है, तो जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जनरल टेस्ट आप अपीयर कर रहे हैं उसमें जो मैथ्स आपका जनरल टेस्ट के अंदर में है, वहाँ पे जो मैथमेटिक्स पढ़ना है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो वहाँ पे आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, तो कहा गया, ये आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पार्ट है, इसमें कहा गया कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर में स्पेसिफिकली अपार्ट फ्रॉम जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग सीखना है, जिसमें सिंपल बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स यानी क्या एलजेब्रा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब और उसके सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस। फिर उसके बाद और क्या क्या पढ़ना है आपको, आपको पढ़ना होगा ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होगा मेंसुरेशन, इसके अंदर में एरिया, वॉल्यूम, इन सबके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी की सारी चीज़ें, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इस तरीके से अलग अलग जो आपके होते थे मेंसुरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, वो सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सब का एरिया, फिर उसके बाद 3D फिगर्स के केस में वॉल्यूम, ये सारे के सारे टॉपिक्स। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, जो नॉर्मल बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ये सब जितना भी 8th तक का पढ़ाया गया आपका सिलेबस है, न समझ में NCERT डाउनलोड करके देख लो, 8th तक का जितना पढ़ाया गया सिलेबस है वो सबका सब पूछा जा सकता है। यानी बहुत एडवांस टॉपिक्स में मत चले जाना, ट्रिग्नोमेट्री पे मत चले जाना, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे जाने की जरूरत नहीं, APGP पे जाने की जरूरत नहीं, 8th तक का इन्होंने बता दिया कि हम पूछेंगे मैथमेटिक्स। तो क्लास 8 तक में क्या क्या और आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, टाइम आता है, आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, या फिर उसके अलावा और जो आपके सिंपल सिंपल टॉपिक्स होते हैं वो सारे के सारे सिंपल टॉपिक्स आएंगे आपके। यूनिटरी मेथड हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ये है आपका सिलेबस मैथमेटिक्स का, परेशान नहीं होंगे। और मैथमेटिक्स का एक सिलेबस डोमेन सब्जेक्ट वाला भी, उसमें 11th 12th की मैथ्स है वो नहीं पढ़ना है आपको, जनरल नॉलेज के लिए ये सिंपल 8th की मैथमेटिक्स पढ़नी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मैथ्स का सिलेबस समझ में आ गया। सर और जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें GK है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है। सर ये सब प्रिपेयर करने का पहले ये बताइए सबसे अच्छा तरीका क्या, सबसे अच्छा तरीका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, बिकॉज इसमें हम लोग बहुत ढेर सारा फ्री कंटेंट भी लेकर के आते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, इसके PDF चाहिए अच्छे अच्छे, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ चाहिए इसके लिए, लाइव सेशंस चाहिए, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिए। हमारे एप्लीकेशन पे लल्हा एजुकेशन क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हम लोग बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है जो कि पोस्ट करते रहते हैं। हमारे कोर्सेज ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन मीडियम पे रनिंग है, आप उसको भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जनरल टेस्ट के अंदर में GK, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, जैसे करंट अफेयर्स के लिए हर वीक हमारा एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आता ही है, उसको आप पढ़िए, विल बी वेरी वेरी यूजफुल। जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह के थोड़े बहुत स्किल्स, इन सभी के ऊपर में बेस्ड, जैसे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसके ऊपर में बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वो पूरा का पूरा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। लॉजिकल रीजनिंग में भी सिंपल सिंपल टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशंस हो गए, सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ये सारी चीज़ें एक एग्जॉस्टिव सिलेबस डिस्कशन के साथ में हम एक और बार आपके साथ में आएंगे। बट फिलहाल के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव था आपको मैथ्स के सिलेबस के रिगार्डिंग गाइड करना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, दिस वॉज सी अंकित लल्हा फ्रॉम लल्हा एजुकेशन सेंटर। हमारे चैनल के साथ में ज़रूर से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।